फैंटम एक्स 2 लॉन्च हो गया है और जल्दी ऑनलाइन स्टोर पे आ जाएगा। मैंने पहले जब यह लॉन्च नहीं हुआ था, सिर्फ इसके लीक सामने आई थी, तब ये वीडियो बनाया था और वो सब सही था। तो चलिए क्या इसमें खास है देखते हैं। टेक्नो ने इंडिया में फैंटम एक्स 2 5G स्मार्टफोन के साथ एंट्री ली है। इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें 4nm वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 5G GPS प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके हिसाब से इसकी प्राइस 39000 यानी राउंड ऑफ करके 40000 के आसपास में आपको पड़ ही जाएगा। लेकिन यह मैं 8GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। इस स्मार्टफोन में हमको 6.8 इंच कवर्ड एमोलेड FHD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसके साथ साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टेस प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ये तो अब हर कोई देने लगा है, इसमें इतनी कोई खास बात नहीं है। अब इसमें 5160mAh की बड़ी बैटरी दे रहे हैं और 45W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। इसमें हमको 6GB वाला का वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। इसमें 64GB 4GB रैम, 128GB 4GB रैम और 256GB 8GB रैम शामिल है। मैंने जो आपको प्राइस बताया वो 8GB वाले वेरिएंट का बताया है जो सबसे महंगा है। एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमरे पे बात करेंगे तो 64MP का कैमरा, 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का सेंसर और सेल्फी में 32MP का कैमरा दे रहे हैं। इसमें प्रोसेसर को चेक करने के लिए एंटूटू बेंचमार्क स्कोर टेस्ट किया जिसमें यह 9 लाख से भी ज्यादा स्कोर निकल के देता है जो रेडमी के 50i से ज्यादा है।